बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने देसी हंडी रोटी चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। ये मेरे पास तकरीबन लगभग एक पाव घी है, एक किलो दाल चावल मैंने भिगो के 15 मिनट पहले से रखे हुए हैं ये इस तरह से, और ये 2 कटी हुई प्याज है, 1 टमाटर है, अदरक लहसुन और कुटी मिर्च का पेस्ट है, हरी कुटी मिर्च। ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आगे, जहाँ पर दाल चावल की खिचड़ी, जिसे खिचड़ी बोलते हैं, उसकी रेसिपी बताएंगे। ये हमारे चैनल का नाम ही देसी हांडी रोटी है, इसलिए हमको हम आपको वो रेसिपीज बता रहे हैं जो आम घरों में बनती हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये देखिए नाज़रीन, प्याज ब्राउन हो रहा है, इसको हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गया है, इस तरह से ब्राउन होगा, ये प्याज का कलर नज़र आ रहा है, लाइट ब्राउन प्याज है मेरा, लग गया। इसमें डाला मिला के, अब हमने इसमें ऐड करने ये टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने कूट के रखी हुई है। साबुत इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, तो खिचड़ी में कोई चीज़ साबुत अच्छी नहीं लगती, अच्छा कलर सही नहीं आता। हम इसको भूनेंगे, ये 2 से 2.5 चम्मच नमक है, अब अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो। 2.5 चम्मच नमक, अब हम इसको भूनना है अच्छी तरह से। अब ब्लैक पेपर, काली मिर्च क्योंकि ये भी अब जाएगी इसमें। मसाला हमारा तैयार हो चुका, अदरक लहसुन प्याज टमाटर का मसाला तैयार हो गया, खाना भी अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ये तकरीबन 3 गिलास हैं, लगभग 1 केजी चावल हैं, दाल चावल, इसमें हम 6 गिलास पानी का डबल पानी शामिल करेंगे। आम चावलों में हम कम पानी डालते हैं, इसमें ज़्यादा डलेगा तब ये खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी थोड़ी सी नरम होती है चावलों की बनस्पत। ये पानी डाल दिया, पानी को उबाल आने तक हम इस पर इसका ढकना रखेंगे, इसको थोड़ी ये हमारे पानी को बॉयल आ रहा है, दाल चावल का पानी हमने निकाल दिया इस तरह से। ये देखिए ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इस तरह से हम दाल चावल की खिचड़ी। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और हमने इसमें कुछ नहीं शामिल करना, ये सिंपल दाल चावल की खिचड़ी है, बच्चों के लिए बेहतरीन है, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत मज़े की चीज़ है, और नाज़रीन ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे ढाँक के, जब तक इसका पानी खुशक हो जाए। नाज़रीन ये देखो पानी थोड़ा सा रह गया बस, खुशक हो जाए ये भी, फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, दम पे रखेंगे इसको। ये देखिए ये नाज़रीन, ये देखिए ये शक्ल हो गई है बिल्कुल,
ऐसे ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। हमने इसको इस तरह से करके 10 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे। दम बिल्कुल आ गया इसको और ये पक गई है, बिल्कुल अच्छे से पक गई है। इस तरह से हम इसको डिश आउट करेंगे। ये मूंग दाल चावल की खिचड़ी तैयार है। हम इसको डिश में निकालेंगे इस तरह से।